हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा बिस्किट केक का रेसिपी, जिसको बनाने में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड सॉफ्ट है। तो चलिए देखते हैं ये सिंपल सा बिस्किट केक का रेसिपी मैंने कैसे बनाया। तो बिस्किट केक बनाने के लिए पहले मैंने इधर चॉकलेट बिस्किट लिया है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो, मिल्क लिया है और बेकिंग पाउडर, दैट्स इट। पहले मैंने एक ब्लेंडर में सारा बिस्किट जो थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया, थोड़ा सा मिल्क डाल दिया अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अभी इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अभी मैंने इधर एक केक टिन लिया है, जिसको मैंने ग्रीस करके थोड़ा सा फ्लावर से उसको डस्ट कर लिया था ताकि केक चिपके ना, और सारा जो केक बैटर है वो सारा एक साथ डाल दिया। अब देख सकते हो कंसिस्टेंसी कैसा है इसका, ना ज़रा लिक्विड ना ज़रा थिक। और अभी आपके पास ओवन है तो ओवन में आप 10 मिनट्स बेक कर लीजिए केक को। मैंने कढ़ाई में रखा है, सो 20 मिनट्स तक लो फ्लेम में इसको बेक कर लेंगे। अभी 20 मिनट्स हो चुका है, तो चलिए देखते हैं केक, ये एकदम चिपका नहीं है तो इसका मतलब ये रेडी है, बहुत क्विकली बन जाता है। अभी मैंने थोड़ा सा गनाश से इसको थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास गनाश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस केक को ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो, केक के साथ बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जो बिस्किट है उसको थोड़ा क्रश करके मैंने ऊपर से ऐसे डाल दिया ताकि लुक अच्छा आए, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप गनाश ऊपर से डालते हो तो बहुत ज़्यादा क्रीमी लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल देन, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।